दत्ता हैड लर्न्ड बाय लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट हिज कस्टमर्स नेवर कम पंक्चुअली। अब दत्ता को इतना अनुभव हो चुका था कि उन्हें पता था कि कोई भी कस्टमर टाइम पर तो फ्रेम लेने आता नहीं है। दे केम डेज इन एडवांस एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड और कम मींस मंथ्स लेटर एंड सम नेवर टर्न्ड अप एट ऑल एंड देयर पिक्चर्स ले अनक्लेम्ड इन अ बॉक्स गैदरिंग डस्ट एंड फीडिंग कॉकरोचेस एंड सिल्वर फिश। कई बार तो होता है जल्दी आ जाते हैं फिर मायूस होकर लौटते हैं, कई बार होते हैं महीनों लग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आते हैं और उनकी पिक्चर्स जो है फ्रेम की हुई बॉक्स में पड़ी रहती हैं, उस पर धूल लग रही होती है, कॉकरोच सिल्वर फिश लग जाते हैं। Therefore he made frames for those who came to him and visited him at least twice before he actually executed their orders. तो इसलिए क्या कहते हैं, वो हमेशा फ्रेम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो एक्चुअल में ऑर्डर देने से पहले दो बार उनके पास चक्कर लगा ले कि हाँ भाई, मतलब जैसे कहते हैं ना, काम ही तब करना शुरू करते हैं जब वो आदमी दो बार आ जाए उनके पास कि हाँ उसे फ्रेम चाहिए। 10 days later the tall rustic looking man appeared and inquired. अब 10 दिन बाद जो है वो लंबा सा जो रस्टिक वाला आदमी था वो आया और उसने पूछा, has the picture been framed? I was passing by and thought I could collect if it was ready. तो क्या पिक्चर तैयार हो गई, मैं यहाँ से गुजर रहा था सोचा उसको अगर तैयार हो तो ले लूँ। दत्ता cast a side look at him and continued with his work. अब दत्ता ने फिर थोड़ा सा टेढ़ा सा होकर उसकी तरफ देखा और अपने काम में लग गए। I know I have come 4 days early. The customer grinned nervously. Will it be ready by Tuesday? मुझे पता है मैं 4 दिन पहले आ गया हूँ, थोड़ा सा नर्वस होकर कस्टमर ने कहा, लेकिन क्या ये ट्यूजडे तक तैयार हो जाएगी? दत्ता merely nodded without shifting attention from a tiny nail which he with his precise rhythmic strokes was driving into the frame. But since that man's obsessive attachment to the photograph, अब दत्ता ने सिंपली जो है सिर हिला दिया बिना उसकी तरफ ध्यान दिए हुए और एक छोटी सी कील थी वो जो है बड़े ध्यान से जो है फ्रेम में लगा रहे थे, लगातार स्ट्रोक करके फ्रेम में लगा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का समझ में आ गया था कि फोटोग्राफ से जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा अटैच है। ही टोल्ड हिमसेल्फ देयर वुड बी ट्रबल इफ ही डिड नॉट डिलीवर द ऑर्डर ऑन द प्रॉमिस डेट। अब दत्ता को ये बात समझ में आ गई थी कि परेशानी हो सकती है कि अगर हमने जो है टाइम पर या जिस दिन कहा है उस दिन फ्रेम डिलीवर करके नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड दैट हिज फर्स्ट जॉब कीपिंग असाइड ऑल द अदर्स। अगले दिन उन्होंने किया सबसे पहले बाकी सारे काम किनारे रखे, ये वाली फोटो फ्रेम को मेन इंपॉर्टेंस दी। द फोटोग्राफ वॉज लाइंग ऑन द शेल्फ अमंग मैनी अदर्स। अब ये जो फोटो थी ये शेल्फ पर रखी हुई थी बाकी और फोटोग्राफ्स के साथ। ही टुक इट एंड केयरफुली केप्ट इट ऑन द वुडन प्लैंक ऑन द फ्लोर। उन्होंने उसको ध्यान से उठाया और फिर फ्लोर पर जो वुडन प्लैंक होता है वहाँ पर रख दी। देन ही लुक्ड फॉर द पेंसिल स्टब फॉर मार्किंग द मेजरमेंट। अब वो अपनी पेंसिल ढूंढ रहे थे जिससे वो मेजर कर सके, मार्क बना सकें। एज यूजुअल इट वॉज मिसिंग, वो फिर नहीं मिल रही थी। ही स्वेप्ट हिज हैंड ऑल राउंड हिम इम्पेशेंटली। अब वो होता है ना यहाँ वहाँ हाथ मार मार के ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ गई वो पेंसिल, स्कैटरिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लास एंड वुड। और ऐसे में क्या होता है जो छोटे छोटे ग्लास हैं या जो वुड हैं उनके टुकड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरने लग गए। फॉल्स शेप्स दैट ही मिस्टुक फॉर द पेंसिल हैरस्ड हिम नो एंड एंड स्ट्रोक्ड हिज एंगर। अब क्या होता है ना इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं उसमें उनको पेंसिल नहीं मिल रही और काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती पेंसिल जैसी दिख रही हैं, तो वो उसको बार बार जब भी उठाते तो कुछ और ही हाथ में आ जाता था, तो वो उससे परेशान हो जाते थे, इससे उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था। फ्रस्ट्रेटेड इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू फाइंड इट ही फाइनली स्टूड अप टू शेक द फोल्ड्स ऑफ हिज धोती एंड अल्टीमेट मूव विद जनरली यील्डेड रिजल्ट्स। अब उनको ये पता होता था फिर वो जैसा होता है ना धोती झाड़ेंगे तो शायद वहाँ पर उसमें कहीं गिर गई होगी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ अब वो इतना वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि मिल नहीं रही थी, वो सीधे खड़े हुए और उन्होंने अपनी धोती के जो फोल्ड्स थे उनको एक बार झाड़ा और अल्टीमेटली क्या हुआ जो उनको उम्मीद होती थी कि पेंसिल मिल जाएगी। बट ही शुक द फोल्ड सो वायलेंटली दैट ही अपसेट अ टिन कंटेनिंग वाइट इनेमल पेन एंड इट फेल राइट ऑन द सेक्रेट फोटोग्राफ ऑफ द ओल्ड मैन एम्प्टिंग इट्स थिक स्लाइमी कंटेंट्स ऑन इट। इस बार क्या हुआ उन्होंने जो धोती अपनी झाड़ी वो इतनी जोर से झाड़ दी कि एक टिन रखा हुआ था वाइट इनेमल पेंट का वो जो है सीधे जाकर उस बूढ़े आदमी की फोटोग्राफ पर गिरा और पूरा का पूरा स्लाइमी सा जो कंटेंट है थिक सा वो उसके ऊपर खाली हो गया। दत्ता स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड स्टेयर्ड एट द डिजास्टर एट हिज फीट एज इफ ही हैड सडनली लॉस्ट ऑल फैकल्टी ऑफ द मोमेंट। अब दत्ता तो अवाक खड़े रह गए, उनको तो लग रहा था कि हाय ये क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना मूवमेंट ही उनका एकदम से खत्म हो गया कि वो क्या करें। He could not bring himself even to avert his eyes from the horror which he seemed to be cruelly forced to view. अब वो अपनी उससे आंखें भी नहीं चुरा पा रहे थे, एक ऐसी चीज जो उनके सामने खड़ी हुई थी मजबूरी में उन्हें देखना पड़ रहा था।
देन हिज स्पेक्टिकल्स क्लाउडेड विद प्रेसिपिटेशन एंड हेल्पफुली स्क्रीन्ड हिज विजन। और उनके सामने क्या था, पूरा का पूरा सफेद पेंट फैला हुआ था और वो चश्मे से देख रहे थे तो उनको जो है दिखाई क्या दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिपिटेशन। When at last he fully recovered his senses, he set about rescuing the picture in such desperate hurry that made a worse mess of it. अब क्या होता है, जैसे ही उनको होश आया कि अरे ये क्या हुआ, उन्होंने झट से पिक्चर उठाने की कोशिश करी और वो इतनी जल्दबाजी में कर रहे थे कि और बुरा उन्होंने कर दिया। He rubbed the picture so hard with a cloth that he peeled off thin strips of filmy coating from its surface. अब उन्होंने जो है पिक्चर पे से वो जो पेंट था उसे हटाने के लिए उसे कपड़े से रगड़ा। कपड़े से रगड़ने में क्या हुआ, उसके ऊपर जो फिल्मी कोटिंग लगी हुई थी ना, जो लैमिनेशन वाली कोटिंग होती है, उसकी थिन स्ट्रिप्स जो हैं वो उखड़ने लग गई। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट ही हैड डन, हाफ द ओल्ड मैन्स फेस एंड नियरली ऑल ऑफ हिज टर्बन वर इनटू थिक ब्लैक स्पेक्स स्टिकिंग टू द इनामेल स्मियर्ड ऑन द रैग इन हिज हैंड। अब इस बात का उन्हें एहसास होता कि आधा वो कर चुके थे कि जो उनका चेहरा है या उनका एक वो जो पूरी पगड़ी पहने हुए थे उसमें जो है ब्लैक कलर के छींटे लग गए थे उस एनामेल के, जो कि वो कपड़ा जो हाथ में पकड़े हुए थे उससे जो है छींटे लग गए क्योंकि उसमें काला रंग होगा। He said with both hands clutching his head, every nerve in his head throbbed as if he would tear itself apart if he did not hold it down. अब तो वो जो है दोनों हाथ पर जो है सिर पर रखकर और जैसे कहते हैं ना सिर पकड़कर बैठ गए। उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे वो क्या करें, उनका दिमाग भी जो है काम नहीं कर रहा था, बहुत जोर से जैसे ना सिर भन्ना रहा था उनका कि वैसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। What answer was he going to offer to the customer who had a fanatic devotion to the photograph he has just mutilated beyond recovery? अब वो जो है उस कस्टमर को क्या जवाब देंगे, कहां वो कस्टमर इतना ज्यादा अरे ये तो बहुत महान आदमी है, हमारे लिए तो भगवान है और इन्होंने जो उसकी फोटोग्राफ को जो है इस तरह से कर दिया है जिसको ठीक भी नहीं कर सकते। His imagination ran wild, suggesting nightmarish consequences to his own dear self and to the fragile, inflammable shop. अब उनकी तो जैसे कहते हैं ना दिमाग में इस टाइम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा था, उनको इतना ज्यादा अंदर डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा उनका या उनकी ये जो शॉप है उसका। He racked his brain for a long while till sheer exhaustion calmed his agitated nerves and made him accept the situation with a hopeless resignation. अब अपना इतना दिमाग दौड़ा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इतनी ज्यादा जैसे एग्जॉस्ट हो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूं। लेकिन तब भी उन्होंने फिर जो है थोड़ा सा हालात में अपने को संभाला क्योंकि पता था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। मीनवाइल द प्लेथोरा ऑफ गॉड्स, सेंट्स एंड सेजेस गेज्ड डाउन एट हिम फ्रॉम द वॉल्स विद अ ट्रांसेंडेंटल स्माइल। इतने बीच में ऐसा लग रहा था जैसे जितनी भी भगवान की, देवी देवताओं की, महान आदमियों की जो फोटोग्राफ उनके वॉल पे फ्रेम करी हुई लगी हुई थी वो सब जो है उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। विद अ फर्वेंट अपील इन हिज हार्ट ही स्टेयर्ड एट देम। अब जैसे होता है ना कि उनको देख देख के वो उनसे दुआ कर रहे थे, मन से मना लेते कि भैया ये क्या हो गया, वो क्या कहेगा कस्टमर। इन हिज स्टेट ऑफ माइंड ही डिड नॉट रजिस्टर फॉर क्वाइट अ व्हाइल दैट अ पर्टिकुलर फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन ऑन द वॉल has held his attention rather more than it was qualified to do. अब ऐसे में जो है उनको जैसे कहती है ना ये दिमाग में नहीं आया कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ जो उस इंसान की वॉल पे थी उस वो जो है जैसे कहना चाहिए ना उनके पास तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स आती थी तो उनका ध्यान जो है उस पर गया कि अच्छा उस सिमिलर जो है फोटो उनको दिखी। It was an ordinary portrait of a middle-aged man in a dark suit and a striped tie. वो जो है एक साधारण से आदमी की फोटोग्राफ थी, मिडिल एज्ड मैन की, डार्क सूट और स्ट्राइप्स वाली टाई पहने था। रेस्टिंग हिज राइट आर्म जॉन्टली ऑन द स्टूडियो प्रॉप मेड टू लुक लाइक अ फ्लूटेड रोमन पिलर, दत्ता वाज अमेज्ड टू सी दैट ही हैड अ फेंट लाइकनेस टू द लेट लेमेंटेड ओल्ड मैन। अब उन्होंने जो अपना सीधा हाथ था वो अपने स्टूडियो का जो कोई प्रॉप था उस पर रखा जो बिल्कुल एक रोमन पिलर के जैसे दिख रहा था, दत्ता जो है चौंक गए ये देख के कि काफी हद तक ये जो है उस ओल्ड मैन जैसा रिजेंबल करता है। द मोर ही गेज्ड एट द फेस द मोर कन्विंसिंग इट अपीयर्स टू हिम। अब जैसे जैसे वो ज्यादा उस शक्ल को देख रहे थे वो बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था जो उन्हीं के जैसे दिख रहा है। बट ही डिसमिस्ड द ओल्ड रिजेंबलेंस एज़ ही सॉ वन ऑफ दोस ट्रिक्स ऑफ थॉरली फेक आउट माइंड। लेकिन फिर उन्होंने जो है वो जो रिजेंबलेंस उन्हें दिख रही थी उन्होंने कहा इसको हटाओ, दिमाग से भी उन्होंने उसको हटा दिया। ऑल द सेम एट द बैक ऑफ हिज माइंड एन आइडिया बिगन टू टेक शेप।
और कहीं जो है उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया, ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट, कि क्यों ना मैं जो हूँ इनसे मिलते जुलते आदमी की फोटो जो है इसमें लगा दूं। जैसे होता है ना, उन्होंने ध्यान से देखा इस आदमी की शक्ल काफी हद तक उस ओल्ड मैन से मिलती, क्यों ना जो है उस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। He brought down the old wooden box in which he had kept all the photographs unclaimed over the year. अब वो जो है एक लकड़ी का पुराना सा डिब्बा था, उसको नीचे लेकर आ गए जिसमें उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स रख रखी थी जो इतने सालों कोई लेने नहीं आया था। As he remained in it, panically cockroaches and spiders scurried helter skelter all over the floor. अब क्योंकि इतने दिनों से वो डिब्बा रखा हुआ था, उसके अंदर कॉकरोच स्पाइडर सब भर गए थे, तो जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खाली किया, बहुत सारे उसके अंदर से कॉकरोच और स्पाइडर्स निकलकर भागे और फ्लोर पर फैले। अनमाइंडफुल ऑफ देम, दत्ता एंग्शियसली सर्च फॉर द ब्राउनिश फोटोग्राफ्स ऑफ द ओल्ड मैन्स विंटेज। अब जो दत्ता थे उन्होंने कहा उसको छोड़ो, कॉकरोच और जो भी स्पाइडर हैं, अभी वो जो है उस फोटोग्राफ को ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल ओल्ड मैन से रिजेंबल करती थी। सून देयर वाज अ पाइल बिफोर हिम, ही वाज सरप्राइज्ड ही कुड पिक अप सो मेनी व्हिच क्वालिफाइड टू टेक द ओल्ड मैन्स प्लेस। अब सामने उनके ढेर लग गया और उनको भी ये लग रहा था इतने सारे लोग थे जो उस ओल्ड मैन की जगह का मतलब प्लेस ले सकते थे। बट ही हैड टू रिजेक्ट अ लॉट ऑफ देम, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनको उनको रिजेक्ट करना पड़ा। इन मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट द सब्जेक्ट स्पोर्टेड अ वेरी कॉन्स्पिशियस फ्लावर वेस नेक्स्ट टू देम और ओवर ड्रेस्ड ग्रैंड चिल्ड्रन सेट ऑन देयर लैप्स एंड देयरफॉर ही हैड टू बी रिजेक्टेड। बट प्रॉब्लम क्या थी, ज्यादातर पोर्ट्रेट्स में क्या है कि एक बगल में उनके फ्लावर वास रखा हुआ है, या कुछ ऐसे थे जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लैप पे बैठे हुए हैं, उनको तो वो ले नहीं सकते थे। लकीली देयर वाज वन विद व्हिच दत्ता फेल्ट दैट ही कुड टेक अ फेयर रिस्क। तभी उनको एक फोटो ऐसी दिखी जिसमें से उनको लगा कि हाँ, इस पर रिस्क लिया जा सकता है। द प्रिंट हैड येलोड अ बिट नोटिसेबली, बट ही कैलकुलेटेड दैट द टोटल इफेक्ट व्हेन पुट इनटू अ डैजलिंग गोल्ड फ्रेम वुड रेंडर इट सी। थोड़ा सा हल्का सा जो कागज था उसमें पीलापन आ गया था, लेकिन उनको ये लगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं जो हूँ इसको बहुत चमकदार गोल्डन फ्रेम में लगाऊंगा तो ये चीज पता नहीं चलेगी। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स कंसंट्रेटेड वर्क ही सेट बैक एंड प्राउडली सर्वेड द ओल्ड मैन्स डबल लुकिंग रेस्प्लेंडेंट इन हिज गोल्ड फ्रेम। अब कुछ घंटों काम करने के बाद बिल्कुल ध्यान से उन्होंने देखा कि हाँ, अब ये जो आदमी है ये गोल्ड फ्रेम के अंदर बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। He was so pleased with his achievement that he forgot that he was taking perhaps one of the greatest risk any frame maker ever took. अब वो अपने काम से इतना ज़्यादा खुश थे कि वो जो है ये भूल गए कि शायद वो ऐसे पहले होंगे जो इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। He even became bold enough to challenge the customer if his faking was discovered. और उनमें इतना जोश आ गया था, इतना एक तरह से स्ट्रेंथ आ गई थी कि अगर चैलेंज जो है कहता है कि नहीं ये गलत है, तो वो उसको भी जो है कह सकते हैं कि नहीं, Look, my dear man, he would say, I don't know who has been fooling you. That's the picture you brought here for framing. Take it or throw it away. मतलब उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो ये तक कहने को तैयार थे कि देखो, तुम जो है किसी और को बेवकूफ बनाना, ये जो पिक्चर थी यही तुम लाए थे फ्रेमिंग के लिए, अब तुम्हें चाहिए तो लो नहीं तो फेंक दो। The days that followed was filled with suspense and anxiety. अब आने वाले जो दिन थे वो काफी ज्यादा सस्पेंस और कंफ्यूजन से भरे हुए थे। डर थे, दैट ऑफ ईयर दैट द कस्टमर वुड सरप्राइज हिम एट एन अनगार्डेड मोमेंट मेकिंग हिम बंजल द एंटायर केयरफुली थॉट आउट प्लॉट। अब दत्ता को एक तरफ डर भी लग रहा था कि भाई चांस अगर कस्टमर ने पहचान लिया तो उनका ये जो बना बनाया इतना उन्होंने प्लॉट सोचा है वो सब बेकार हो जाएगा। बट द मैन टर्न्ड अप प्रॉम्प्टली अ कपल ऑफ डेज लेटर। अब वो जो आदमी था वो कुछ दिनों बाद आ गया लेने के लिए। एट दैट मोमेंट दत्ता वॉज बेंट ओवर अ पीस ऑफ वर्क and slightly stiffened as he heard the voice, shrill with expectation asked, is it ready? अब उस समय दत्ता जो हैं एक काम कर रहे थे अपना, और जैसे ही क्या कहते हैं उन्होंने उसकी आवाज सुनी जो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से भरी हुई थी कि भाई वो फोटो फ्रेम तैयार हो गया। दत्ता's heart began to race and to compose himself, he let a whole minute pass without answer. अब दत्ता की तो दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा एक मिनट जो है ऐसे ही पास कर दिया बिना जवाब दिए। Then he put aside the scissors in his hand with slow deliberation and reached out to take the neatly wrapped package in a corner. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो कैंची पकड़े हुए थे उसे साइड में रखा धीमे से, और फिर जो है एक बहुत अच्छे पैक में जो है उन्होंने कॉर्नर में एक रख रखा था उसको जो है लेने के लिए चले गए। Ah, it's ready, the customer explained with a childish delight, at the same time mumbling flattering tributes to Datta for his promptness and so on.
वो आदमी जो था कस्टमर था वो इतना खुश हो गया कि अरे वाह तैयार हो गई, जैसे बच्चे करते हैं ना कि उनको कोई उनकी चीज जो है वो मिल जाए। और साथ ही साथ जो है वो दत्ता को भी जो है तारीफ कर रहा था कि भाई उन्होंने जो है इतना प्रॉम्प्टली समय पे काम कंप्लीट कर दिया। ही स्प्रेड हिज आर्म्स वाइडली विद ड्रामेटिक एग्जुबरेंस टू रिसीव द फोटोग्राफ एज इफ इट वॉज एक्चुअली अ लॉन्ग लॉस्ट पर्सन ही वॉज ग्रीटिंग। और उसने जो ऐसा होता है ना हम लोग फौरन अपने आर्म्स आगे कर देते हैं, लाओ 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 हमें दो, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे अरे हमने कितने दिन से इस फोटो को जो है मतलब ऐसा कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फोटो की, हमने इसको जो है कितने दिन से देखा नहीं है, एडिट नहीं किया है। बट दत्ता टुक हिज टाइम रिमूविंग द रैपर फ्रॉम द फ्रेम। अब दत्ता जो है आराम आराम से जो है फ्रेम से को निकाल रहे थे। द कस्टमर वेटेड इम्पेशेंटली फिलिंग द टाइम शावरिंग मोर प्रेसेस ऑन हिज वर्शिपफुल मास्टर हु हैव वाज टू अडॉर्न द वॉल ऑफ हिज होम। अब कस्टमर जो है उसको इम्पेशेंस हो रही थी, वो वेट कर रहा था कि जल्दी से वो फ्रेम खोलें और मैं देखूं, और इतने टाइम में वो जो है अपने उन जिनकी फ्रेम कराने के लिए फोटो लाया था वो उनको तारीफ करे जा रहा है कि कितनी अच्छी उनकी फोटो फ्रेम जो है दीवार पे लगेगी उनके घर में। दत्ता फाइनली रिवील द ग्लिटरिंग फ्रेम एंड हेल्ड इट टूवर्ड्स हिम। अब दत्ता ने क्या किया, फाइनली वो जो फ्रेम था चमकता हुआ वो खोला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। द कस्टमर सीम विजिबली स्टक बाय इट्स ग्रैंडियर एंड फेल साइलेंट लाइक वन हु हैड एंटर्ड द इनर सैंक्टम ऑफ अ टेम्पल। अब जब कस्टमर ने जो देखा तो वो तो उसकी जैसे भव्यता देख कर ही बिल्कुल अचंभित रह गया, बिल्कुल चुप हो गया, ऐसा लग रहा जैसे मानो वो मंदिर में आ गया हो। दत्ता हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉच द मैन्स एक्सप्रेशन। अब दत्ता अपनी सांस रोके खड़े थे और उस आदमी के एक्सप्रेशन को देख रहे थे। विद एवरी सेकेंड दैट पास्ट ही वॉज लॉसिंग हिज नर्व एंड थॉट दैट इन अनदर मोमेंट ही वुड बिट्रे द बिग होक्स ही हैड प्ले। जैसे हर लम्हा जो गुजर रहा था उनको जो है बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी और वो सोचे थे बस अब पकड़ा गया मैं, अब पकड़ा गया, जो मैंने गलती करी है उसके लिए पक्का पकड़ा जाऊंगा। सडनली ही सॉ द कस्टमर स्ट्रेटन, द रेवरेंशियल लुक एंड बेनेवोलेंट एक्सप्रेशन वैनिश्ड फ्रॉम हिज फेस। तभी उन्होंने देखा वो जो कस्टमर अभी इतना एक्साइटेड था, इतना सब कुछ चहक रहा था, उसको देख के खुश हो रहा था, अचानक से वो बिल्कुल चुप हो गया, एक्सप्रेशन उसके चेहरे से गायब हो गए। What have you done? He demanded indignantly. क्या कर दिया आपने? For Datta, the moment seemed familiar, for he had already gone it 1,000 times night and day since he splashed the white paint on the original photograph. अब दत्ता जो है वैसे ही उस पता तो था ही दत्ता को, क्योंकि पता नहीं कितनी हजारों दिन और रातें उनके सामने से निकल चुकी होंगी जब वो फोटोग्राफ के ऊपर पेंट गिर गया था। Several times he has rehearsed his piece precisely for this occasion. उन्होंने कितनी बार रिहर्सल करी थी कि मुझे क्या बोलना है इस अवसर पर। But before he could open his mouth, the customer shouted with tremendous authority in his bearing. अब इससे पहले कि दत्ता मुंह खोलते वो कस्टमर ही बोल गया, Now don't deny it. अब मना मत करिएगा। I clearly remember asking for a cut mount with an oval shape. It's a square. Look. अब ये मत कहिएगा मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि ये जो कट माउंट है ये ओवल शेप का चाहिए, आपने तो स्क्वायर बना दिया। देखिए मतलब क्या हुआ कि वो जो कस्टमर था वो भी नहीं पहचान पाया कि ये उस जिसकी फोटो लाया था एक्चुअल में वो नहीं है, और उसने जो पकड़ा भी, जो दत्ता को लगा कि मेरी गलती पकड़ी गई, तो उन्होंने एक्चुअल में पकड़ा क्या कि फोटो फ्रेम की शेप जो है वो ओवल होनी चाहिए थी, ये तो स्क्वायर है। तो ये था आपका यूनिट, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।